नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। पंजाब के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को पीजीआई चंडीगढ़ से गुरुवार सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। जी हां, पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता खुद एसआई हरजीत सिंह को पीजीआई से डिस्चार्ज कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरजीत को बेटे अशप्रीत का नियुक्ति पत्र भी सौंपा। बता दें कि पटियाला के सन्नौर रोड पर स्थित मंडी में ड्यूटी के दौरान एसआई हरजीत सिंह पर कुछ निहंगों ने हमला कर दिया था। निहंगों ने हरजीत का एक हाथ तलवार से काट दिया, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ डॉक्टरों ने घंटों की सर्जरी के बाद उनका हाथ जोड़ दिया। अब उनके हाथ में मूवमेंट शुरू हो गई है, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। हरजीत का इलाज कर रहे डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के एडिशनल प्रोफेसर सुनील गाबा और डॉक्टर जेरी ने उनका ड्रेसिंग खोली तो हरजीत ने अपनी उंगलियां हिलानी शुरू कर दी। उनकी उंगलियों में मूवमेंट देखकर डॉक्टर भी संतुष्ट हैं। हालांकि उन्होंने इतनी जल्दी उंगलियों को मूव करने से रोका, लेकिन हरजीत सिंह ने बताया कि ऐसा करने से ज़रा भी तकलीफ नहीं हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने की वजह से अब उनमें सेंसेशन भी आ गई है। ऑपरेशन के बाद हरजीत को तेजी से ठीक होते ही घर तक पहुंचाया गया और सभी ने बेहद खुशी के साथ उनका स्वागत किया। वह ढोल नगाड़ों से सभी ने खुशियां मनाई।